अस्पताल, शमशान ते कब्रिस्तान तक लाशां ही लाशां नज़र आ रही हैं। अजिही एक वीडियो जलंधर शहर तो सामने आ रही है जिसनों देख के तुहाडा भी दिल पसीज जाएगा। जलंधर के रामनगर की रहण वाली 11 साल की सोनू का कोरोना के नाल देहांत हो गया। जिदा ही लोगों को पता लगा उन्होंने उक्त लड़की नू चक्कण तो साफ मना कर दिता ते उसका बजुर्ग पिता अपने मोढ़ियां ते रख के उसनू शमशान तक लै गया, जिसकी वीडियो वायरल होने तो बाद प्रशासन के विच भी हड़कंप मच गया, क्योंकि एक बहुत वड्डी प्रशासनिक लापरवाही है। इंसानियत नूं शर्मसार कर दीआं तस्वीरां सामने आ रही हैं। कोरोना के चलदिआं प्रशासन वल्लों लगातार मदद मुहैया करवाई जा रही है। जेकर किसी का भी कोरोना के करके देहांत हो जाता है तो उसका दाह संस्कार का जिम्मा भी प्रशासन खुद निभांदा है। तो इस दे विरोध दे विच एक लाचार पिता वल्लों अपनी बच्ची के संस्कार के लिए उन्हों कंधे के उत्ते चक के शमशान घाट विच ले जाया जा रहा है। ਰਿਤਕ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2500 ਰੁਪਇਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕਾ? ਦਲੀਪ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਹਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉੜੀਸਾ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਹਾਂ ਰਹਤੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਮੈਂ ਰਾਮਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਰਹਤਾ ਹੂੰ। और मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे छोटी गुड़िया मेरा बीमार हो गया तो मैं अपना सिविल हॉस्पिटल जलंधर सिविल हॉस्पिटल में लेके गया था। उसमें डॉक्टर बोलते हैं कुछ डॉक्टर कमी के कारण आपको मैं भेज देता हूं कि आपका अच्छी इलाज के लिए अमृतसर भेज देता हूं, तो अमृतसर अपने ही एम्बुलेंस करके भेज दिए, मगर काम बना नहीं। उन्हें 3 दिन 3 रात इलाज करते के बाद उन्हें मेरा बच्चा ने उन्हें डेथ कर गया। तो क्या कोई जब उसकी मौत होगी तो कोई आया हो, डॉक्टर की टीम चेक करने आई हो या कोई आपसे बात करने आई हो? डॉक्टर तो इसमें कोई नहीं आया, मगर मेरे देखने मेरे नजर में तो हॉस्पिटल में बहुत आगे पीछे पूरा घेर देते थे, कम से कम 10-10 डॉक्टर इकट्ठे हो जाते थे, बहुत कोशिश करे मगर बचा नहीं पाए। तो कोई प्रशासन ने मदद की हो इलाज में, कोई पैसा दिया हो या किसी और तरह की मदद की हो आपकी? नहीं, अभी तक 1 रुपया ही नहीं मिली है, ना कोई किसी से मेरा बात हुआ है अभी तक। तो कितना खर्चा आ गया उसका इलाज करवाने के लिए? मैं तो खाली हाथ में गया था तो मेरे उसमें सिर्फ 4000 रुपया खर्चा हुआ है, और जो उधार वाड़ी सब मिलाएंगे और मैं सारे को भुगतान करता तो मेरे कम से कम 20000 रुपया लग जाता। तो क्या जरूरत पड़ी थी, क्या मजबूरी थी कि अपनी बेटी का शव आपको कंधों पर उठाकर शमशान घाट लेकर जाना? मैं जहाँ पे रहता हूँ, जितनी मेरे दोस्ती आ रही है साथ में किराए पे रहते हैं, उनको मैंने पूछा कि मैंने लाश कैसे लिया कर जाए, बोलता है कि इस समय कोरोना काल चल रही है, आपका कोई हेल्प नहीं करेंगे, खुद लेके जाना है, आपके पीछे पीछे आते हैं। आए मगर मेरे पीछे पीछे आए, खूब बाद में आए। तो क्या महसूस हुआ उस समय जब कोई भी आगे नहीं आ रहा था, आपको खुद अपनी बेटी का जो शव है अपने कंधे पर उठाना पड़ा? मेरा मजबूरी है, मैंने इसे अपने आप को महसूस कर लिया कि मेरा मजबूरी है, मेरे कोई हेल्प नहीं करेगा तो हेल्प करे, मगर बातों बातों पे आए जरूर, इतनी इस समय में मेरे मजबूरी कारण इतनी साथ दे दिए, इतनी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ पीछे आए तो जरूर पीछे आए।